मुझे अमेरिका भी जाने का मौका मिला, जो जहाँ विदिशा में रहती थी वो दीदी अब वो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गई है, तो उनकी बुआ जी वहाँ रहती है, तो उनने भी मुझे ऑफर दिया था अमेरिका में जाने के लिए, पर मैं कुछ कारणों की वजह से अमेरिका नहीं जा पाई। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वाइफ को भी मैंने मेहंदी लगाई है, उनको मेरी मेहंदी भी पसंद आई, और मैंने कुछ कारणों की वजह से जा भी नहीं सकती उनके पास मेहंदी लगाने के लिए, पर जब भी वो विदिशा आती है तो हमेशा मुझे बात करती है और बोलती है कि मुझे मेहंदी कब लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं रवि सिंह विदिशा। इस वक्त हम मौजूद हैं ढलकपुरा में, जहां एक दीदी है जो मेहंदी लगाती है। उन्होंने अपने शौक से मेहंदी लगाना स्टार्ट किया और आज विदिशा में हर जगह मेहंदी लगाने जाती है। आइए मिलते हैं इनसे। जय श्री कृष्णा दीदी। तो पहले आपको आइडिया कैसे आया मेहंदी लगाने का? मैं घर पे ऐसे प्रैक्टिस करती रहती थी, कोई भी चीज की कॉपी करती थी, उसमें देख देख के फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेहंदी लगाना चाहिए। तो आप मतलब कहाँ कहाँ मेहंदी लगाने जाती हैं और कितने प्रकार की आप मेहंदी लगाती हैं? मैं मेहंदी तो विदिशा में भी लगा चुकी हूँ, काफी प्रकार की मेहंदी लगाती हूँ, जैसे बेबी शॉवर है, एंगेजमेंट की मेहंदी, स्टाइलिंग मेहंदी, भरमा मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, सारी प्रकार की मेहंदी लगाती हूँ। तो ये इससे अर्निंग कितनी हो जाती होगी मंथली? 30-35 के एवरेज पहुंच जाता है, और फिर सीजन वाइज रहता है, जैसे कि कैंडिडेट जितने भी मिल जाए मुझे मेहंदी लगाने के लिए, उस हिसाब से क्लासेस का भी चलता है मेरा। अच्छा, तो आप जैसे अभी जो मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं उनको सिखाएंगी मेहंदी लगाना, और उनको क्या आइडिया देंगी मेहंदी के बारे में? मेहंदी लगाना मैं सिखाऊंगी भी, हर प्रकार की मेहंदी सिखाऊंगी, जैसे जो अभी स्टाइलिंग मेहंदी चल रही है उस तरीके की, और फिर मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, जैसे गरीब लोग हैं वो अपना पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो मैं उनके लिए भी माफ कर देती हूँ। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने लोगों को सिखाया हो मेहंदी लगाना? ऐसे तो मुझे याद नहीं, मैंने काफी लोगों को सिखाया और वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है। तो सीजन, जैसे सीजन आता है, सीजन में कितना चला जाता है आपको, कुछ मतलब अनुमानित बताएंगी? अनुमानित